पहला वाला हम लोग कर लिए थे, उसमें और कुछ हमको नहीं लगता है कि पहला चैप्टर में और कुछ कराने की बाकी था। इसमें आसान आसान था, एक दो क्वेश्चन यदि करा ही लिए थे, ठीक है ना। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए जैसे मान लेते हैं, अच्छा एक सवाल करिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, आपसे ये पूछा जाए कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब देखिए ये वाला जो सवाल ये है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स है, इसका कोई आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं? साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या इसका हम लोग डायरेक्ट कोई फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यदि इसका कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, तो फिर इसको सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए एक तो आपको जो हम लोग पहला चैप्टर देखे थे उसमें सीधे जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे था, ठीक है, वहां से हम लोग सीधे सीधे कर लिए थे। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, ये जो इंटीग्रेशन जो इसको हमको करना है, क्या बताइए इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है? आप ये बताइए क्या कोई ऐसा इंटीग्रेशन आपको मालूम है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का? ऐसे तो नहीं मालूम ना डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे कि अभी देखिए क्या क्या मेथड है, वो मेथड पर बात करेंगे। कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे एक मेथड्स आपका ये हुआ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन करके जो है इंटीग्रेशन करेंगे। और तीसरा जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मेनली आपको इसी चीज पर फोकस करना है, जो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है वो 7.5 एक्सरसाइज में करना है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है कौन सा एक्सरसाइज में करना है 7.6 में, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है कौन सा एक्सरसाइज में करना है 7.2 में करना है। सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन जो है 7.2, जो कि अभी हम लोग जो है 7.2 के बारे में देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जो है 7.5, और ये और जो बीच के इंटरमीडिएट जो चैप्टर हैं जैसे 7.3, 7.4, ये सब जो चैप्टर हैं उसमें कुछ जो है अलग से, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग रूल एप्लीकेबल होगा, मेनली जो होगा जहां पर ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बीच के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें थोड़ा मोड़ा जो कुछ रूल्स एप्लीकेबल होगा उसके बेसिस पर हम लोग सवाल को करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.2 देख रहे हैं, 7.1 हो गया है, 7.2 में जो है सब्स्टिट्यूशन से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सवाल ये है कि कब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट कब हम लोग करेंगे? तो ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहाँ यूज होता है। जैसे मान लेते हैं किसी भी फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन के अंदर जो है ये एफ एक्स डी एक्स है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है उसको लिखते हैं। ये वाला जो फंक्शन होता है ना इसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, इंटीग्रैंड, और ये जो होता है वो साइन ऑफ क्या बोला जाता है, इंटीग्रल, ठीक है ना, इंटीग्रल का साइन या इंटीग्रेशन का साइन, क्लियर हुआ, इंटीग्रल। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन कहां हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी भी फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए लाइट, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन एफ डैश एक्स डी एक्स है। अब इधर ध्यान दीजिए, आप ये बताइए कि यहां पर इंटीग्रेंट कौन सा होगा, क्या ये इंटीग्रेंट पूरा होगा कि नहीं होगा, ये पूरा इंटीग्रेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पर यूज करते हैं जहां पर एक फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। ये एफ एक्स फंक्शन हो गया, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो जहां फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है तो वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं,
क्लियर हुआ? कब यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन का? जहां पर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब करेंगे कैसे, तो ये ध्यान रखिए करना क्या है। पहला स्टेप आपको जो करना है, दो जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है। पहला है लेट फंक्शन को टी मानेंगे, फंक्शन को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे, डेरिवेटिव को नहीं इसको मान लेंगे, ठीक है, एफएक्स को टी मान लिए। अब एफएक्स को टी मान लिए तो पहला तो आपको यही सब्स्टिट्यूट करना है, पहला सब्स्टिट्यूशन आपको यहीं पर करना है कि एफएक्स को क्या मान लेना है, टी। आप कुछ भी मान सकते हैं, टी यू भी जो कुछ भी चाहिए वो मान सकते हैं, ठीक है। तो एफएक्स को टी मान लिए, अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए। एफएक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अच्छा किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहां पर एफ डैश एक्स है, ठीक है ना, इसीलिए कर रहे हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा, टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, डी टी बाई। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एफ डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर। तो दूसरे जगह ये सब्स्टिट्यूट करना है, पहला सब्स्टिट्यूशन ये करना है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये करना है, यानी कि एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिख लेना है, डी टी लिख लेना है। एफ डैश एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिखना है, डी टी लिख लेना है। यानी कि हम लोग यहां पर क्या किए हैं बेसिकली, यहां पर कि जो भी हमको इंटीग्रेशन निकालना है, एफ एक्स को हम लोग क्या मान लिए हैं, टी मान लिए हैं, और एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या मान लिए हैं। अब ये बताइए ये एफ डैश एक्स डी एक्स है कि नहीं है, एफ एक्स को क्या माने, दो जगह सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान रखिएगा। पहला जो फंक्शन माने हैं, कब यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां एक फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद हो, उस फंक्शन को पहले टी मान लिए, उसका डिफ्रेंसिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको एफ डैश एक्स डी एक्स निकालना है जो कि डी टी के बराबर आएगा। अब एफ डैश एक्स जो डी एक्स है उसके जगह पर किसका वैल्यू रख लेना है, डी टी का, तो टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाए। इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले आपको यही देखना है कि क्या यहां पर एक ऐसा फंक्शन है और उसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद है। बताइए इस वाले क्वेश्चन को, क्या कोई फंक्शन है और उसका डिफ्रेंसिएशन मौजूद है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट साइन एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन तो यही करना है, साइन एक्स को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। अब इस साइन एक्स को क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा ना, और टी का डिफरेंशिएशन यहां पर डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड कर लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो पहला तो सब्स्टिट्यूशन आपको यहां से करना है, अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जो हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, अब क्या बताए थे कि दो सब्स्टिट्यूशन करना है, एक सब्स्टिट्यूशन यहां पे और एक सब्स्टिट्यूशन यहां पर, साइन एक्स को टी मानना है तो इस साइन एक्स के जगह पर क्या रख लिए, टी रख लिए, और कॉस एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, डी टी। ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, टी डी टी हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्या होता है, टी अल्जेब्रिक फंक्शन है ना, क्या होता है बताए थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो टी का क्या हो जाएगा, टी पर पावर वन है ना, तो वन टी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, टू, और प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये टी तो हम लोग अपने से माने हैं कि नहीं माने हैं, टी अपने से माने हैं ना, तो टी के जगह पर फाइनली जो है आपको रिप्लेस कर देना है। अब ये बताइए टी स्क्वायर बाई टू, टी का वैल्यू क्या माने हैं, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर बाई टू प्लस क्या होगा, सी, ये वाला पार्ट सब हटा रहे हैं, ठीक है।
यहां पर ये बताइए कितना हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कितना हो जाएगा सीस। तो सबसे पहले आप लोग यही ध्यान दीजिए कि जब भी सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, जब भी फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो उस केस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन को टी मानते हैं, डिफरेंशिएशन वाले को नहीं, फंक्शन को टी मानेंगे। और इसके बाद एक तो रिप्लेसमेंट यही पे होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा जब डिफरेंशिएट करके करेंगे तो यहां पर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद टी में आएगा तो फाइनली जो आप माने उसको रख देना है, क्योंकि टी अपने से माने हैं, फंक्शन बेसिकली एक्स में था, टी तो अपने से माने है ना, तो अंत में आप उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करिए खुद से, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहां पर होगा, जहां पर फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। अब लेकिन डिफरेंशिएशन जो उसका मौजूद है ना, तो जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई में, डिवाइड में होगा तो भी यूज करेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये ऐसे जरूरी नहीं है एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स केवल मल्टीप्लाई में है तो ही नहीं, एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स डी एक्स ऐसे भी रहेगा तो भी हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करिए सब लोग। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि कौन एक फंक्शन और क्या उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, बताइए कौन फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट 1 प्लस किसको मानेंगे बताइए, इसको ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। पहला तो सब्स्टिट्यूट यही करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट में, इधर क्या आ जाएगा dt by dx, तो 2x is equal to क्या आ जाएगा dt by dx। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा साइड में लिखिएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ, इसके नीचे जस्ट नहीं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी करिएगा, जैसे ये है यहां पे। अब ये बताइए कि टू यहां से कितना आ जाएगा, 2x dx बराबर कितना आ जाएगा dt, तो एक सब्स्टिट्यूशन आपको यहां से होगा और दूसरा सब्स्टिट्यूशन यहां से हो, ठीक है। अब बताइए 2x dx का वैल्यू कितना है, 2x dx का वैल्यू कितना है, तो dt, 1 plus x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, t, ये इंटीग्रेशन है, तो यानी कि 1 by t dt। बताइए 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है log t होता है, फॉर्मूला आप लोग क्यों नहीं याद किए हैं, सब आप लोग चट में बुलवा दिए हैं पूजा में, हाँ 1 by t का क्या होता है इंटीग्रेशन, log t होता है, बेसिक बेसिक चीज आप लोग नहीं याद किए हैं, और प्लस क्या होगा c, लेकिन t को क्या बताए हैं कि फिर से रिप्लेस करना है, तो यहां से कितना आ जाएगा log of 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फॉर्मूला क्यों नहीं याद है आप लोगों, हाँ चलिए ये चीज हुआ, तो चलिए एक और क्वेश्चन करी देखते हैं याद है तो, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, बताइए सब लोग क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बताइए कॉपी पे बनाना है, ठीक है, अभी कॉपी निकाल रहे हैं, महान लोग हैं। हाँ अच्छा उधर जो है दिक्कत नहीं है, उधर तो हवा नहीं आ रहा है ना,
सबसे पहले आपको यही देखना है कि क्या कोई फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मौजूद है। पूरा प्रोसेस वाइज करिएगा ना, चलिएगा ना, कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व करते रहे, ठीक है। क्या कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दिखाई दे रहा है? कौन फंक्शन दिखाई दे रहा है बताइए? लॉग एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या है? वन बाई एक्स है। किसको माने? वन बाई एक्स को माने, लॉग एक्स को। लेट लॉग एक्स को क्या मान लें? टी मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन और ये टी का रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। अब क्या बताए थे? इसको इधर ले आइए, तो डी एक्स बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। तो एक रिप्लेसमेंट यहां से, यानी डी टी का वैल्यू लिखना है। किसका वैल्यू लिखना है? मतलब डी टी लिखना है, डीएक्स बाई एक्स का वैल्यू लिखना है। क्लियर हुआ? डीएक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? सेम चीज है, ठीक है, डीएक्स बाई एक्स, और एक रिप्लेसमेंट यहां पर करना है, दो जगह करना है ना। अब इसको आई मान लिए हैं, तो बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा? पहला रिप्लेसमेंट लॉग एक्स को टी माने हैं, तो क्या बन जाएगा? टी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई डीएक्स बाई एक्स है कि नहीं है ये? डीएक्स बाई एक्स को क्या माने हैं? डी टी माने है ना, तो टी स्क्वायर क्या बन जाएगा? डी टी। दिक्कत? अब इसका इंटीग्रेशन बताइए, टी स्क्वायर का क्या होता है? टी पर पावर थ्री बाई थ्री प्लस क्या होगा? सी होगा, यही होगा ना। अब लास्ट में क्या कर लेना है? टी का वैल्यू रख लेना है, तो लॉग एक्स का क्यू बाई थ्री प्लस सी, लॉग एक्स का क्यू यानी कि लॉग क्यू एक्स बाई थ्री प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यही होगा ना। किसी को दिक्कत? क्या बताए थे आपको? तो पहले पहचानना है कि एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो। कौन फंक्शन और कौन किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? हाँ, जिसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका? लॉग एक्स का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स है, तो लॉग एक्स को मानना, ठीक है, कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स साइन, टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स बनाइए इसका। 2x sin x सबसे पहले यह बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है? इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन मौजूद है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टू एक्स होता है। तो हम लोग किसको मान लेंगे? लेट
एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लेते हैं, टी। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, टू एक्स, और टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के, किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का ना, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टी, अब डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, तो टू एक्स डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, आई, तो आई बराबर देखिए टू एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी टी, तो यहां पर डी टी रख लेंगे, और साइन अब पहला रिप्लेसमेंट यहां होगा टी होगा, तो साइन टी डी टी इंटीग्रेशन, अब साइन टी क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी, यही होता है ना, माइनस कॉस, अब टी के जगह पर रख लेंगे, क्या रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, साइन टी प्लस वन आ जाएगा ना फिर तो। अब यहां पर कितना हो जाएगा, आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि केवल हम एक्स स्क्वायर को माने हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को मानिएगा तो साइन ऑफ कितना आ जाएगा, टी प्लस वन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका, डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर वो बिल्कुल सही है कि आपका साइन टी प्लस वन होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जरूर कि ये लीनियर है तब तो ठीक है, ठीक है ना, लेकिन मान लेते हैं कि लीनियर के अलावा कुछ और आ जाएगा, लिनियर के केस में ऐसा कर सकते हैं, ठीक, अच्छा यहां पर मान लेते हैं ऐसे रहेगा तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऐसे है और यहां पर टू एक्स प्लस वन रहे, ये पूरा को मानना पड़ेगा, हाँ उस केस में वो कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म जोड़ रहे हैं तो उसे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बने, ऐसे कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम पूरे को ही मान लें, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान, कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए इंटीग्रेशन अब हम लोग करते हैं, अब साइन एम एक्स केवल बस ये है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन दो जगह यूज करेंगे, कहां कहां, एक तो बताए थे एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, लेकिन ये तो ऐसा यहां पे है नहीं, फंक्शन तो मौजूद है लेकिन उसका डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं। अब यहां पर क्या कोई लीनियर फंक्शन आपको नजर आ रहा है, एमएक्स क्या है, लीनियर फंक्शन है कि नहीं, एमएक्स लीनियर है ना, देखिए इंटीग्रेशन हम लोग सीधे किसका जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, कॉस एक्स का जानते हैं, लेकिन ये साइन के अंदर कुछ और आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन ये आया तो कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है कि नहीं है, जिसका डिग्री वन होता है, वेरिएबल एक्स, देखिए ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, हाँ
एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो बाकी सब कॉन्स्टेंट होंगे। क्लियर हुआ? अब एम इंटू एक्स है, लेकिन एक, यहां पर एम एक्स क्या है बताइए? ये तो कॉन्स्टेंट है और एक्स वेरिएबल का डिग्री कितना है? वन है। यदि किसी भी वेरिएबल का डिग्री वन होता है तो लीनियर, डिग्री टू होता है तो क्वाड्रेटिक। ये लीनियर है कि नहीं है? अब लीनियर यहां पर है तो आप करिए क्या, आप यहां पर इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है? इसी को क्या कर देना है? हाँ, तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट एम एक्स बराबर क्या मान लें, टी मान लें, ठीक है? कोई दिक्कत? एम एक्स बराबर टी मान लिए। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा? लेकिन सवाल यह है कि आप तो ये बोले थे कि सब्स्टिट्यूशन वहां पे करना है जहां पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद है, लेकिन आप गौर से देखिए ना तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी मौजूद है। mx का क्या होगा? आप सिंपल ये पूछिए x का क्या बनेगा, 2x का। लेकिन 2 तो कॉन्स्टेंट है ना, अपने मर्जी से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बेसिकली कहने का मतलब mx का तो इंटीग्रेशन मौजूद है, भले ही m नहीं है लेकिन m एक तो कांस्टेंट है ना, उसको तो मल्टीप्लाई डिवाइड अपने मर्जी से तो कर सकते हैं ना, उसको अपने मर्जी से तो ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? क्लियर हुआ? तो दो तरीके से समझ लीजिए कि यदि हम ये बोल रहे हैं कि यदि कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है तो सब्स्टिट्यूट करिए, और दूसरा बार क्या बोल रहे हैं कि लीनियर को भी सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे, क्यों करेंगे? क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन, लीनियर का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी जो है वन होता है, होता है कि नहीं? आप कोई भी कर लीजिए, जैसे 2x प्लस 3 है, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है कि नहीं होता है? अब इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म आया, वो तो ऑलरेडी मौजूद है ना, अब देखने में तो नहीं है लेकिन इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, और यहां पर क्या बन जाएगा, डीटी बाई डीएक्स, ठीक है? अब ये बताइए हमको कि यहां पर एम डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डीएक्स बराबर क्या आ जाएगा, डीटी बाई एम आएगा कि नहीं आएगा? तो पहला सब्स्टिट्यूशन यहां करना है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन यहां पर करना है, तो क्या हो जाएगा बताइए? आई बराबर, इसको आई मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, एम एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, टी मान लिए हैं, और dx क्या हो जाएगा, dt by m, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट रहता है तो उसको बाहर कर लिया जाए, तो 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt होगा, 1 by m इंटीग्रेशन ऑफ sin t क्या होता है, तो माइनस cos प्लस c, यहां पर बोल सकते हैं माइनस cos t डिवाइडेड by m प्लस c, माइनस cos टी, अब टी को रिप्लेस करेंगे एम एक्स बाई एम प्लस सी। तो लीनियर के केस में जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लीनियर के केस में कर सकते हैं, लीनियर के केस में, ठीक है ना? वही जो पहले आया था ना आप लोग का साइन टी प्लस वन, तो उसको भी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लीनियर बन रहा था, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लीनियर बन जा रहा था इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझ लीजिए, ठीक है? अब आपके पास इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे क्या करना था, साइन एम एक्स डी एक्स, यदि ये वाला जो है क्या है, लीनियर है कि नहीं है, लीनियर है, लीनियर फंक्शन है कि नहीं है, लीनियर फंक्शन, जैसे आप जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हैं, साइन क्या जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, कॉस एक्स का जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्लियर हुआ? अब इसके अंदर जैसे साइन एक्स का जानते हैं, एक्स के जगह पर कोई लीनियर आ जाए तो भी आपको सेमी फॉर्मूला यूज करना है। यदि एक्स के जगह पर कोई लीनियर चीज आ जाए, फंक्शन आ जाए, तो आपको क्या करना है, वही चीज करना है। कैसे, अब ध्यान दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, चूंकि यह लीनियर है तो वैसे ही करना है, तो इधर ध्यान दीजिए, तो माइनस कॉस एम एक्स लिख लिए, लिख लिए कि नहीं लिख लिए, लिख लिए ना? अब यहां पर नीचे में क्या होगा कि इस लीनियर का डिफरेंशिएशन लिख देना है। एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एम, ठीक है, उस लीनियर का डिफरेंशिएशन, या बोल सकते हैं जो भी एक्स का कोफिशियंट है उसको नीचे लिख देना है।
डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते थे और इंटीग्रेशन में डिवाइड, क्योंकि उसका उल्टा होता है ना, इसलिए बस ये ध्यान रखिएगा। तो लीनियर होगा तभी काम करना है, यहां पर एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो नहीं होगा। यदि लीनियर है तो साइन एक्स का माइनस कॉस एम एक्स और डिवाइड बाई एक्स का कोफिशियंट बोल लीजिए, एक्स का कोफिशियंट या इसका डिफरेंशिएशन, हम ये भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला, लीनियर लिख दें सीधे, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर फंक्शन प्लस क्या आएगा माइनस कॉस एम एक्स बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर फंक्शन क्या होगा एम प्लस डिफिनिट। जब कोई चीज फिक्स हो गया, डिफिनिट में वहां पर फिक्स रहता है ना, लिमिट जहां रहता है, जहां पर लिमिट दिया रहता है वो डिफिनिट रहता है, मतलब डिफिनिट का मतलब क्या हुआ, वो फिक्स हो गया ना, निश्चित है वो। तो ये पूरा जो है पहला क्लास देखिएगा ना, उसमें पूरा इंटीग्रेशन में बताए थे कि कैसे सी क्यों लेते थे, सब कुछ बताए थे। क्योंकि साइन एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन जो था वो कॉस एक्स था, साइन एक्स प्लस थ्री का भी था, तो इसलिए सी यूज करते थे, क्योंकि ये इंडिफिनिट हो रहा है। आगे प्रॉपर जब कराएंगे ना, अभी सी आपको यूज करना है, नहीं करना है वो भी बता देंगे, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसे समझ लीजिए, प्रॉपर उस पर हम आएंगे, ठीक है। अभी ये दिक्कत है किसी को, बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ ई पर पावर 2x प्लस 3 dx, बताइए ई पर पावर 2x प्लस 3 dx। तो ये लीनियर, जैसे आप तुरंत स्टैंडर्ड पर, आपके पास दो तरीका है, दो तरीका क्या है, 2x प्लस 3 को t मान लीजिए, मान सकते हैं, वहां से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बताए थे आप लोग को, कि चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमको क्या मालूम है, ई पर पावर एक्स का, लेकिन एक्स के जगह पर कोई लीनियर आएगा तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या ये एक्स के जगह पर लीनियर है कि नहीं है, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ई पर पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, यही आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और करिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टेन इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये क्वेश्चन है। चलिए पहले इसी क्वेश्चन को करिए, फिर आते हैं, ट्राई करिए। अब देखिए कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन कब बताए थे, जब भी एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। क्या कोई फंक्शन आपको नजर आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन, कौन सा फंक्शन नजर आ रहा है, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लें, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और टी का डी टी बाई डी एक्स। यहां से करेंगे तो डीएक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो बार आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन में दो बार, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, साइन, एक बार तो tan इनवर्स x को माने हैं तो साइन क्या हो जाएगा t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा dt, ये होगा ना, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c माइनस cos। अब t क्या माने थे, tan इनवर्स प्लस c, ये हो जाएगा
कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है तो बताइए, एक और क्वेश्चन तब करिए। टेन पर पावर फोर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स डीएक्स। अब देखिए आप ये काम मत कर दीजिएगा, रूट एक्स ले रूट एक्स कटा दें, ठीक है ना? तो ट्रिगोनोमेट्री का एंगल होता है। अब ऐसा नहीं काम करना है, जैसे कि साइन 60 डिग्री एक टीचर काम कर रहे थे, ऐसा काम वो नहीं बताएंगे कौन टीचर काम कर रहे थे, ठीक है? अब ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, हमको नहीं मालूम है लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों काम कर सकते, किससे? हाँ कांस्टेंट टर्म से करने से कोई दिक्कत नहीं। अभी प्री प्री बोर्ड का नहीं होगा। सीबीएसई वाले लोगों का प्री बोर्ड अभी बाकी है, बिहार बोर्ड का तो हो गया। बिहार बोर्ड में अब जनवरी मंथ में प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद एग्जाम। अब ये बताइए किस में आपको डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है? टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? होता है ना, तो टैन का सेक स्क्वायर होता है, तो बेस को मान लीजिए। लेकिन नहीं, आप डायरेक्ट तो करिए ना, किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है आपको? टैन का नहीं मालूम है तो क्या मान लेते हैं? लेट लेट टेन रूट एक्स को क्या मान लें? टी मान लें, क्योंकि टेन का डिफरेंशिएशन मौजूद था। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेन, इस टेन का डिफरेंशिएशन रूट एक्स ना, आप फिर इस रूट का भी एक्स का भी तो करेंगे ना। रूट एक्स का क्या होता है याद करवाए थे आप लोग को, 1/2 रूट एक्स होता है, और इक्वल टू टी का डी टी बाई क्या होगा? डीएक्स। डिफरेंशिएशन पीछे से सब भूलते जा रहे हैं क्या आप लोग? अब यहां पर क्या कर लेंगे, क्या हो गया? सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2√x बराबर कितना आ गया? डी टी बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स बाई, देखिए क्या यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स है, आप लोग उल्टा पुल्टा क्या कर रहे हैं? सेक स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स बाई रूट एक्स किसके बराबर आ जाएगा? डी टी बाई 2 dt आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन अब करना है। ये टेन पर पावर फोर है ना, टेन रूट एक्स पर पावर कितना है? फोर है, टेन रूट एक्स पर पावर फोर है ना, टेन रूट एक्स को क्या माने हैं? तो उसका पावर फोर क्या बन जाएगा? टी पर पावर फोर। सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डीएक्स क्या आ जाएगा? टू। अब टू को तो बाहर रख ले, तो टी पर पावर फोर क्या आ जाएगा? डी टी। टी पर पावर फोर का इंटीग्रेशन
फाइव प्लस क्या आ जाएगा सी, यही होगा ना। अब टी को रिप्लेस कर लीजिए, टी का वैल्यू कितना है तो क्या आ जाएगा, टेन पर पावर फाइव रूट एक्स फाइव प्लस सी, यही होगा ना, यही आ रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत? हाँ समझ गए। अब चार फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग को बताए थे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan x। इधर सब लोग ध्यान दीजिए, उधर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता नहीं बताए हैं, पहली बार बताए थे, इधर तो नहीं बताए हैं। नहीं तो वो चार फंक्शन का हमको किसका किसका देखना है, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x। इंटीग्रेशन ऑफ एक बता देते हैं, बाकी डिराइव करके लाइएगा। अब एक बता देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x कैसे निकालेंगे। इधर ध्यान दीजिए, जब सब्स्टिट्यूशन आप सीखिए गए हैं, यहां पर dx सभी जगह लिख लीजिए, dx 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 कैसे आएगा, इधर ध्यान दीजिए, tan x dx करना है। tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x by, इधर ध्यान दीजिए, sin x by cos x लिख सकते हैं ना। अब बताइए क्या कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, हाँ तो क्या मान ले, किसी को मान सकते हैं आप, sin x को ही मान लेते हैं, लेट sin x बराबर t, cos x नहीं मानेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, cos x बराबर क्या आ जाएगा, dt टी बाई dx आएगा, लेकिन आप एक चीज कोशिश करिए, इधर ध्यान दीजिए, हाँ कि वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना, कि आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा करिए कि नीचे वालों को मान लीजिए, क्योंकि आप यहां पर करेंगे तो dx तो ज्यादा सही रहेगा, समझे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेट cos x बराबर t मान लें, नीचे वाले को मानिए, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मौजूद है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई माइनस साइन एक्स डीएक्स बराबर dt, तो साइन एक्स डीएक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस dt। अब इसमें जो इंटीग्रेशन जो ये i था इसको यहां रख, तो i बराबर क्या हो जाएगा, tan x साइन एक्स डीएक्स को क्या लिख सकते हैं, और cos का t, तो क्या आ गया, माइनस वन बाई टी डी टी। वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ टी होगा, प्लस माइनस लॉग मोड ऑफ क्या हो, टी के जगह पर क्या रख लेंगे, कॉस एक्स प्लस सी। इसका एक और इंटीग्रेशन आप लोग को आना चाहिए, माइनस लॉग, अब देखिए यहां पे जो है ये भी सही है, ऐसा नहीं है, माइनस लॉग कॉस एक्स भी सही है, माइनस को अर्गुमेंट से पहले कोई भी चीज है वो लॉग से पहले कोई भी चीज है वो अर्गुमेंट के पावर में जाता है, तो यहां से करेंगे तो log cos x पर पावर कितना हो जाएगा, और यानी कि ये log 1 बाई cos x हो जाएगा, तो log कितना आ जाएगा, log sec x प्लस, ये याद रखिएगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब बाकी डिराइव कर लीजिएगा ऐसी, log ऑफ sec x प्लस, या दूसरा भी लिख देते हैं, ठीक है ना, माइनस log cos x प्लस साइन एक्स, नहीं इसमें सही रहता है, log sin x ही रहता है, कैसे होगा देख लीजिए, cos x by sin x आएगा, cos x by, तो माइनस कहीं आएगा ही नहीं आएगा, हाँ इसमें यही रहता है बस, हाँ ठीक है, sec x का होता है log ऑफ sec x प्लस tan x होता है,
एक बार खुद से करके लाइएगा, sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, और ये होता है log ऑफ cos x माइनस cot x प्लस सी। ये चार फॉर्मूले जो हैं आप याद इसमें याद रख लीजिएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, याद हो जाएगा ना? हाँ चलिए ठीक है, इसको पकड़िए।